भारत का सूर्य मिशन आदित्य एल विंग सूर्य के बेहद करीब पहुंच गया। लेकिन क्या आपको पता है, जब भी कोई उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है तो ज्यादातर उसे पृथ्वी की कक्षा में डाल दिया जाता है। वहीं वे घूमते रहते हैं और अंतरिक्ष की जानकारियां हमें देते रहते हैं। धरती पर मौसम का हाल जानना हो या फिर फोन टीवी को मिलने वाले सिग्नल, सब कुछ इन्हीं उपग्रहों से हमें प्राप्त होता है। अगर ये न रहें तो धरती पर फोन टीवी और यहाँ तक कि इंटरनेट, सब कुछ ठप हो जाएगा। जब पृथ्वी के चारों ओर इतने सैटेलाइट मौजूद हैं, हजारों की संख्या में कचरा सैटेलाइट भी है। कई लोगों को लगता होगा कि काम खत्म होने के बाद इन उपग्रहों को वापस धरती पर गिरा दिया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी उपग्रह उसी कक्षा में हमेशा के लिए मौजूद रहते हैं। इसी वजह से भारी कबाड़ जमा हो गया है। अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।